हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिव गणेश कार्ड। आज मैं बनाने वाली हूँ मदर्स डे पे एक बहुत सुंदर सा कार्ड, एंड मैं इसका पूरा आपको ट्यूटोरियल दूंगी। सो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स, आपको शीट चाहिए होगी जो कि मेरे पास है, ओके। एंड इसका मेरे को थोड़ा सा आपको अलग मिल रहा होगा वीडियो, बिकॉज मैंने थोड़ा सा ना मेरा एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया था एंड मेरे को पता नहीं था। सो मैं डॉम्स के कलर्स का करने वाली हूँ, मतलब डॉम्स के स्केच पेन कलर्स जो कि बहुत अच्छे हैं, एंड मैं डॉम्स का सारा सामान यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। सो फर्स्ट हम उसका ग्रीन कलर ले लेंगे जो कि है आर्मी ग्रीन कलर, ओके। एंड हमें चाहिए होगा डार्क पिंक कलर जो कि उस पैलेट में आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपको इसकी रेट देखनी है तो मैं आपको ऊपर आई बटन दे दूंगी। सो चलो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका रेट भी देखना है, पूरा ट्यूटोरियल देखने की ये कहाँ से आया, कहाँ से आया और मैं कब लाई इसको, तो मैं आपको ऊपर आई बटन दे दूंगी। और अगर नहीं बनी होगी वीडियो तो मैं आपके लिए लाऊंगी। सो अब हमें इससे एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड उसमें थोड़ा थोड़ा गैप आप रख लेना, बिकॉज गैप रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम फ्लावर कैसे बनाएंगे। सो ज़्यादा बड़े बड़े गैप मत रखिएगा, थोड़े से गैप रखिएगा, लेकिन गैप रखिएगा। एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स। इस दिन पर आप ये कार्ड जरूर बनाना, बहुत आपकी मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। सो जल्दी से हम फ्लावर्स भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमने अपना फ्लावर एंड हमने इस कार्ड को भी मोड़ लिया है जैसे कार्ड की शेप होती है इसकी। एंड अब हमें चाहिए होगा ब्लैक कलर, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे इसमें से ब्लैक कलर अपनी पेंट पैलेट में से। सो जल्दी से हम निकाल लेते हैं ब्लैक कलर। सो ये मैंने ब्लैक कलर निकाल लिया है, एंड अब हमें इस पे हैप्पी मदर्स डे लिखना है बहुत स्टाइल में। चलो लिखते हैं। मेरी थोड़ी सी राइटिंग छोटी छोटी है तो मैंने छोटा छोटा लिखा, आप बहुत बड़ा लिख सकते हो बिकॉज ये बहुत अच्छा लगेगा।
फ्रेंड्स अब इसको आई हमें शेड करने की बारी, तो मैं पहले पिंक कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। एंड देन मैं मदर्स डे पे कर रही हूँ ग्रीन कलर, बिकॉज ग्रीन कलर ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो ये मैंने ग्रीन कलर कर दिया है बिकॉज आमी ग्रीन कलर दे रहा है, आमी ग्रीन कलर लाइन्स पे बना है। एंड अब मैं लास्टली कर रही हूँ पर्पल कलर, बिकॉज पिंक से ज़्यादा क्लोज पर्पल होता है या तो फिर रेड होता है। और अब हम इसको कलर कर लेते हैं। अब मेरे को उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना है, सो मैंने इस पे बना दिए छोटे छोटे से हाथ जो कि बहुत प्यारे लगेंगे। अब आई इसके अंदर लिखने की बारी, सो मैं आपको दिखाने के लिए अंदर क्या मैं लिख रही हूँ वो आप देख सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, माय बेस्ट मॉम फॉर माय बेस्ट मॉम एंड लव यू, मैंने तो लव यू लिखा है। एंड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ज़रूर ट्राई करेगा। ओके अब हमें इसको भी शेड करना पड़ेगा, तो मैं पहले लाइन बना रही हूँ रेड कलर से एंड अब मैं इस पर स्किन कलर का शेड कर दूंगी। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर